अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम। सर, ये याकूबपुर और नामपल्ली में इतने कम मेजॉरिटी आने की वजह क्या है? नहीं, याकूबपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहाँ पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, और जो भी कमजोरियाँ खामियाँ रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकूबपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। यानी लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर रोड जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन, तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते, तो ये अहम तीन चीज़ें। और चौथी चीज़ यह है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप और एक एक जगह पे 1100 वोट है, माने दो कमरों को आप, मैंने इससे कम कमरा है और आप दो बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स हैं, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए, चार दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं है जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते हैं कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे और हम लोग मेहनत करेंगे। हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ, जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। नाज़रीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।